यस, लास्ट लेक्चर में अपन ने बात करी थी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कुछ एक एग्जांपल्स लेकर उनकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के बाद फिर अपना अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। अगर आज का टॉपिक अपना निकल गया तो मान के चलें कि अब अपना मेजर पार्ट इस चैप्टर का हो गया। फिर या दो या तीन क्लासेज और लगेंगी VBT CFT की और देन चैप्टर फिनिश। तो आज का जो लेक्चर है ना वो थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट देखना है, प्रैक्टिस करनी है कुछ एक मॉलिक्यूल्स की। तो आपकी बुक के अंदर एक टेबल दे रखी है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके, और वो नेमिंग जिस जिसने सारे कंपाउंड सी कर दिए उसमें कुछ एक जो है वो अलग है। तो नहीं हो रहा है तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस कंपाउंड में दिक्कत भी आ रही है। ठीक है, मार्कर नीचे से मार्कर लाना। यस, तो मैंने आपको चार क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा था। कितने कहा था? चार। पहला क्या था? व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, लिगेंड कौन सा है और उसका नेमिंग क्या है, ये बात करी थी अपन ने। तो इन चार चार क्वेश्चन के आंसर अगर आप करते गए होंगे तो आपका काम फटाफट हो गया होगा और प्रैक्टिस भी अच्छी खासी होगी होगी। नहीं करी है तो फिर आप लोग टेबल निकालिए, आपके बुक के अंदर दे रखी है नेमिंग ऑफ IUPAC। सबसे पहला तो अपन ने प्रैक्टिस कर रखी है K4 FeCN6। अच्छा, मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसमें नहीं है रूल्स वाला, तो वो आज मिल जाएगा आपको, या आज ले ही जाना हाथों हाथ, मैं फ़ोटो खींच के भेज दूँगा। K4 FeCN6। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स देखना है। टाइप, अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपके पीछे जुड़ी हुई है तो नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज में खाली एक ही रूल अलग है, सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके पीछे HE जुड़ जाएगा, बाकी सारे नियम सेम है। बाहर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के आगे या पीछे जो जुड़ा होता है उसमें हमें नंबर को देखना नहीं है। और आपका कॉम्प्लेक्स कैसा भी हो सबसे पहले क्या लिखना है, कैटायन लिखना है। कैटायन कौन सा है? पोटेशियम। तो पोटेशियम को ऐसे पोटेशियम लिखना है, वहाँ कोई चेंज करना ही नहीं है, तो क्या लिखोगे आप? पोटेशियम। फिर आपको अंदर जाना है कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले क्या लिखते हैं? राइट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो सिक्स के लिए क्या आएगा? हेक्सा। CN को क्या लिखते हैं? साइनो। पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब फेरस है तो फेरस के पीछे लास्ट में एड जुड़ जाएगा, तो फेरेट हेक्सा साइनो फेरेट फॉलोड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है। किसका लिखना है? Fe का। तो 4 × K का क्या होता है? +1 प्लस। Fe का निकालना है तो X प्लस 6 × CN का -1। नेट चार्ज क्या है? 0। 4 + X - 6 = 0। X = 6 - 4 = +2। तो किस में लिखते हैं? रोमन नंबर विथ स्मॉल ब्रैकेट। दिस इज द नेम ऑफ कंपाउंड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। कोई डाउट किसी को, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। क्या करना था? तो जो नियम दे रखे हैं वो याद नहीं करने, प्रैक्टिस करोगे तो नियम अपने आप होते जाएंगे। किसी को समस्या लगी इस वाले कंपाउंड में, कुछ समस्या तो पूछ सकते हो कि सर ये नहीं बता पड़ी। अच्छा, ये निकालने आता है ऑक्सीडेशन नंबर सबको। अब सर पोटेशियम का +1 हम कैसे पता लगाएंगे? तो वो मैंने नियम लिखवा रखे हैं, अल्कलाइन मेटल का हमेशा +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल का हमेशा +2, हेलोजन्स का हमेशा -1, ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में होगा तो -2, परऑक्साइड की फॉर्म में होगा तो -1, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होगा तो -1/2। ये सब मैंने रूल्स आपको लास्ट ईयर लिखवा रखे हैं। आप 11th के नोट्स अगर आपके पास पड़े हों तो वहाँ से एक बार रीड आउट कर लेना उसको, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। अब ये CN तो कुछ एक एंटिटी के ऊपर फिक्स पहले से ही चार्ज होता है, CN- SO4 2- CO3 2- OH-। तो जो उनके ऊपर चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो ये फर्स्ट कंपाउंड, आप सबको दिक्कत नहीं थी। सेकेंड कंपाउंड देखिए, NaAgCN2। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस टेबल से बाहर एग्जाम में भी नहीं आएगा। कोई ऐसा मॉलिक्यूल बना के नहीं दे देंगे आपको
क्या आपने कभी देखा ही नहीं हो, इस टेबल से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात फिक्स है। आएगा जो भी IUPAC नेमिंग इस टेबल से आएगी, तो टेबल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स? नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज अटैच्ड टू बैक साइड, पीछे की ओर जुड़ा हुआ है। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? Ag। लिगेंड कौन सा है? Cn-। तो सबसे पहला काम, राइट द नेम ऑफ कैटायन। कैटायन को क्या लिखोगे? सोडियम। क्या लिखोगे? सोडियम। फिर अंदर राइट द नेम ऑफ लिगेंड, तो Cn के लिए क्या लिखोगे? बाई बाई साइनो। फिर नेगेटिवली चार्ज है तो अर्जेंटम, तो अर्जेंटम को क्या लिखोगे? अर्जेंटेट। क्या लिखोगे? अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। अब क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो अल्कलाई मेटल, तो क्या हो जाएगा? प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इंटू माइनस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स इज इक्वल टू टू माइनस वन, क्या आया? प्लस वन। तो अर्जेंटेट प्लस, अर्जेंटेट प्लस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस आया तो क्या हमें यहाँ ब्रैकेट में माइनस लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए? पहली चीज़ तो माइनस आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेटल की, एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, उनके ऊपर हमेशा चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। और अगर कभी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने गए और आपका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस आ रहा है, तो समझ जाना आपने कोई ना कोई गलती करी है, माइनस कभी आएगा ही नहीं। कारण क्या? मेटल एटम ही बोल रहे हो ना, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, और मेटल ही लेना है सेंट्रल एटम, तो वो कभी भी आपका नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो ये सेकेंड, सोडियम बाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। आया समझ में सबको? अब देखिए अगला, आप बाई साइनो डाई साइनो भी कर सकते हो, NaCN4-2-। नेक्स्ट कंपाउंड है यस। अब देखिए कॉम्प्लेक्स, आगे भी कुछ नहीं है पीछे भी कुछ नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? न्यूट्रल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है माइनस टू, मतलब नेगेटिवली चार्ज। वही नियम जो अब तक अपन लगाते आ रहे हैं, राइट द फर्स्ट कैटायन, कैटायन है ही नहीं। तो अगला स्टेप, राइट द नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने हैं? फोर। तो टेट्रा साइनो, फिर निकलेट, निकलेट, टेट्रा साइनो निकलेट, और फिर क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एक्स प्लस फोर इंटू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस टू, क्या आया? निकलेट प्लस टू, और पीछे आयन, पीछे क्या? अभी आयन कब जोड़ना है वो पता पड़ी? जब सीधा कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पहले से ही चार्ज डिफाइन है, तो पीछे आयन लिखना है, क्योंकि ये आपका न्यूट्रल स्पीसीज नहीं है, ये तो आयन है। जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि Na इट इज एटम, बट मैं कह रहा हूँ Na प्लस इट इज आयन, तो मुझे बताना ही आयन है, इसमें मैं एटम लिखूँ नहीं लिखूँ चलेगा, वो प्री डिफाइन है। लेकिन इसको मैं बोलना ये सोडियम आयन है, तो पता पड़ेगा ना कि भाई इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है या एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कुछ भी बोलोगे आप, आयन में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आपका अगला एग्जाम्पल, ठीक है? अब ये प्रैक्टिस करनी है इसकी आपको, एक बार लास्ट बिफोर लास्ट ईयर बैच में कुछ एक बच्चे थे, उन्होंने इस पूरी टेबल को याद कर लिया बजाय प्रैक्टिस के। तो कौन सा काम है ये? याद करना है इसी कि प्रैक्टिस करना है इसी? याद तो कैसे होगा, और बड़ी ताज्जुब की बात, याद कर लिया पूरी की पूरी टेबल, क्योंकि मैंने ये कह दिया जो भी आएगा क्वेश्चन एक नंबर का फिक्स इस टेबल से आएगा, उस टेबल से अलावा दूसरा कंपाउंड नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया, आएगा इसी में से, कंप्लीट रट्टा मार याद कर लिए सारे के सारे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, प्रैक्टिस कर रहे हो आप तो हो जाएगा। अब आप मुझे इसमें से कंपाउंड बताइए जो आपको दिक्कत लग रही हो, तो मैं सीधा वो बताऊँ, क्योंकि सारे करेंगे टाइम निकल जाएगा। फिफ्थ, फिफ्थ में आ रही है दिक्कत, के पी टी Cl3 NH3 यही आ रहा है ना, KPTCl3 NH3 ओके।
तो सबसे पहली चीज ये आपने भी पूछा था, सेवन्थ पूछा था। अच्छा, जिस जिससे मुझे पूछा हो ना क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्या अभी एक्चुअली बहुत बिजी था तो मैंने आंसर दिए नहीं है किसी को भी, अगर इसमें से आए तो आप मुझे पूछ लेना सर ये मैंने पूछा था, आप बता देना, मैं साथ साथ में बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द चार्ज ऑन एंटिटी नेगेटिवली चार्ज, पहला क्वेश्चन क्लियर। सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम, अब सीएल के ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, हेट्रोलेप्टिक, वेरी गुड, कौन सा है, हेट्रोलेप्टिक। सेंट्रल मेटल एटम से अलग अलग लिगेंड जुड़ रहे हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, कौन सा है, हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स से मतलब, अब अगर पूछा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कैसे, थ्री फोर, कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट क्लियर होना सबके जरूरी है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है वो। अब जैसे आपका ये कंफ्यूजन था कि सर लिगेंड दो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का अलग अलग आएगा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड का आएगा ही नहीं, पहली चीज तो ये क्लियर करना। चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हो चाहे ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो, किसका निकालते हैं, सेंट्रल एटम का निकालते हैं। तो आपको तो ये देखना है कि सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर आ रहे हैं, कौन दे रहा है उससे मतलब नहीं है। तो देखो, एक लोन पेयर तो एमीन दे रहा होगा, तीन लोन पेयर क्लोरीन दे रहा होगा, तो टोटल लोन पेयर कितने, चार, मतलब चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, चार, कितना आएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो पता पड़ गई सबको। अब बात करनी है इसके नाम की, किसकी बात करनी है, नाम। सबसे फर्स्ट राइट द कैटायन, तो क्या लिखोगे, पोटेशियम। अब अंदर राइट द नंबर ऑफ लिगेंड्स, बट फर्स्ट इफ मोर देन वन लिगेंड्स आर एग्जिस्ट देन राइट देम इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सी फॉर क्लोरो, एफ फॉर एमीन, एमीन पहले आता है तो प्रायोरिटी किसको देंगे आप, एमीन को, पोटेशियम एमीन, फिर नंबर ऑफ लिगेंड्स ट्राई ट्राई क्लोरो प्लेटिनेट, क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट। अब आती है ऑक्सीडेशन नंबर की बात, किसकी आती है, बार बार ऑक्सीडेशन नंबर आप अभी तो करोगे ऐसे एक्स मान मान के, फिर क्या होगा पता है, आप ओरली निकाल सकते हो, बहुत सारे बच्चों की हैबिट हो भी चुकी होगी ओरली निकालने की, देख के ही पता पड़ जाती है ये होगा, ठीक है ना। तो आप के का प्लस वन प्लस पी टी का एक्स प्लस थ्री इंटू सी एल का माइनस वन प्लस थ्री इंटू एन एस थ्री का जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स प्लस वन माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू थ्री माइनस वन इज इक्वल टू प्लस टू, तो प्लेटिनेट टू, ये आ गया इसका लेकर, आया सुन में अब। तो कभी भी लिगेंड ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक होगा सेंट्रल एटम, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, लिगेंड। लिगेंड कितने बॉन्ड बनाता है उस आधार पर आपको बताना। अच्छा, एक नियम आप लोग भूल गए, मैं भी बताना आपको भूल गया, वो आगे आएगा कंपाउंड में, मैं आपको समझा भी दूंगा हाथों हाथ, ठीक है, ओके, ये आया सबको समझ में। अच्छा, ईमानदारी से मुझे एक बात बताओ कि किस किस को यूँ लग रहा है कि सर मेरे को तो आप बता रहे हो नेमिंग में उसमें कुछ भी पता नहीं पड़ रहा है, मैं नहीं आ रहा समझ में, ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताओ। अगर किसी को वास्तव में ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर मुझे नहीं पता पड़ रही है, आप देखो मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा और ये समझ में नहीं आता तो वीबीटी का कोई मतलब नहीं है। मैं क्यों करा रहा हूँ इतनी प्रैक्टिस, ये तो आप भी कर सकते थे घर पे, मैंने कह भी दिया आप कर देना, पर मैं बार बार यहीं पर रुका हुआ हूँ, उसका एक ही कारण है, जब तक ये नहीं होगा तब तक वीबीटी पढ़ाने से कोई सेंस नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं, नथिंग। ये पढ़ा तो वीबीटी से मतलब है, बाकी वीबीटी का कोई सेंस नहीं, तो इसलिए ये पता होना जरूरी है। बात मेरी समझ रहे हो, तो सबको आ रहा है ना समझ में, किसी के साथ नहीं लग रहा कि नहीं सर मुझे तो पता ही नहीं पड़ रही है कुछ, तो हाथ खड़ा कर देना कि सर नहीं पता पड़ रही है। मितांश और एनीवन एल्स, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आ रहा, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप पूछेंगे तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, आपने लास्ट क्लास मिस करी थी मितांश, थे आप लास्ट क्लास में, रूल्स मैंने पढ़ाए तब देख लिया आपने, वीडियो देखा वो, ओके ठीक है। अब मैं आपको रूल्स वाइज बताऊंगा, एक दो एग्जांपल रूल्स वाइज बताऊंगा, तब आप लोग ध्यान देना, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आपको क्या करना है, तो एक बार 11th का जो नोट्स मैंने रूल्स लिखवाए थे, क्योंकि वो बहुत सारे 17-18 रूल्स है, तो आपको एक बार देखने पड़ेंगे, तो वो देखना, तो वो मैं साथ साथ में बता, अब मैं रूल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान यहाँ रखना, ओके। अब सिक्स्थ कर सकते सभी, सिक्स्थ में कोई दिक्कत है क्या, सिक्स्थ ओके। आपका सबसे पहला क्या है, एच जी, फिर सी ओ, सी एन एस फोर, फिर क्या है, सी एन एस फोर, और पीछे कुछ है क्या, और एक ही लिगेंड है ना,
ओके, अब देखो CMS का मतलब क्या होता है, पहला तो वो देखना। थायोसाइनेट क्या होता है? थायोसाइनेट बोलते हैं। और जब थायोसाइनेट को लिगेंड की फॉर्म में बोलेंगे तो एट ई चेंजेस टू एटीओ, आईडी आईडीओ, एट ई एटीओ, याद आ रहा है ना? तो ये क्या बन जाएगा? थायोसाइनेटो। सबसे पहली चीज तो ये क्लियर हुआ। CNS को लिखना क्या, ये तो पता पड़ गई, थायोसाइनेटो लिखना है। अब सबसे पहला आप लोग ध्यान देना, आप जिन जिन को नहीं पता पड़ रही, तो आपको ये मानना है कि हमें अभी तक पढ़ा ही नहीं नेमिंग क्या है। तो सबसे पहला काम, जब भी कोई भी नेमिंग आए तो हमारा फोकस होना चाहिए टाइप्स ऑफ कंपाउंड के ऊपर, कि कंपाउंड का टाइप कौन सा है। अब कैसे पता पड़ेगा सर कि हमको कौन सा टाइप है? तो अगर आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला मतलब कंपोनेंट है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में चीज है, वो अगर पीछे की ओर जुड़ी हुई हो, मगर इसके आगे कुछ भी जुड़ा हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के आगे कुछ ना कुछ हो और स्क्वायर ब्रैकेट पीछे हो, तो वो आपका कहलाएगा नेगेटिवली चार्ज। क्या कहलाएगा? पहली चीज। दूसरा, अगर स्क्वायर ब्रैकेट आगे है और उसके पीछे कुछ भी जुड़ा हो, एक्स वाई जेड, अगर स्क्वायर ब्रैकेट आगे हो तो वो कहलाएगा पॉजिटिवली चार्ज। क्या कहलाएगा? तीसरी चीज, स्क्वायर ब्रैकेट के आगे भी कुछ नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं है और उसके ऊपर चार्ज भी कुछ नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। क्या कहलाएगा? तो पॉजिटिवली और न्यूट्रल के अंदर रूल्स का सेट सेम चलता है और तीनों में सेम चलता है। खाली इसमें ये होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है ना बीच वाला, उसके नाम के पीछे ATE जुड़ जाता है। जैसे कि आयरन तो फेरस फेरेट, जिंक जिंकेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, लेड प्लम्बेट। बात आ रही समझ में? ऐसे तो वो आपको एग्जाम्पल सारे नोट्स में मैंने लिख रखे हैं, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये भी एग्जाम्पल है इसमें लिस्ट में, ये एग्जाम्पल भी मिल जाएगा आपको। अब क्लियर हुआ पहली चीज, तो क्या करना है? तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स के आगे कुछ जुड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स पीछे है कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। और कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज हो, सबसे पहला काम हमेशा हम किसको लिखते हैं? पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं। तो पॉजिटिव आगे वाला होगा, Hg को हम क्या बोलते हैं? मरकरी। Hg किसका सिंबल है? मरकरी। तो नाम लिख दो उसका, सबसे पहला काम मरकरी, मर्क्यूरी रॉन्ग, ठीक है ना, मर्क्यूरी मर्क्यूरी करते हैं अपन प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। अब आपको क्या करना है आगे अंदर जाने के बाद? नंबर ऑफ लिगेंड्स, सेकेंड रूल। पहला नाम राइट, देन पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखना, राइट गेट एंड फर्स्ट। सेकेंड रूल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राइट दी नंबर ऑफ लिगेंड्स। क्या करना है? नंबर ऑफ लिगेंड्स, चार के लिए क्या आता है? टेट्रा। चार के लिए क्या आएगा? टेट्रा। CNS को क्या बोलते हैं? थायोसाइनेटो। तो मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो, क्लियर। अब कोबाल्ट, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, तो कोबाल्ट का क्या बन जाएगा? कोबाल्टेट। क्या बन जाएगा? कोबाल्टेट, थायोसाइनेटो कोबाल्टेट। ओके, अब निकालना है हमको इस पर चार्ज, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। Hg का यहाँ प्रॉब्लम आई होगी, Hg का कितना होता है? प्लस वन। कितना होता है? या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हो, इसके ऊपर प्लस वन तो इसके ऊपर माइनस वन मान के चल सकते थे। तो Hg का ले लिया आपने प्लस वन, प्लस कोबाल्ट का x प्लस फोर इंटू, इसके ऊपर होता है माइनस वन। CNS क्या होता है? माइनस वन। तो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू फोर माइनस वन इज इक्वल टू क्या गया? प्लस थ्री। क्या आया? तो यहाँ पर कोबाल्ट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? प्लस थ्री। तो मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट प्लस, ये इसका नाम हो गया। अब आया समझ में? तो ये आपका सिक्स्थ एग्जाम्पल। अब देखो सेवन्थ, सेवन्थ है पी वाई लिख रखा है ना, वो है पीरिडिन। क्या है? पीरिडिन। तो पी टी पी वाई फोर अच्छा, दोनों कॉम्प्लेक्स ही दे रखे हैं, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स, वही एग्जांपल है ना सेवन्थ पी टी सी एल फोर।
अब दिक्कत आई कि सर तो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं और दोनों की बात करनी है तो लिखेंगे किसको। नियम से हटना ही नहीं है आपको, नियम के अकॉर्डिंग ही चलना है। नियम से बाहर आए तो उलझन। अब इसमें भी देखो ये कॉम्प्लेक्स आगे जुड़ा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स पीछे, पूरा एक मॉलिक्यूल है। आपको क्या मानना है, पूरा एक मॉलिक्यूल है। आगे जो जुड़ा होगा वो पॉजिटिव, पीछे जो जुड़ा होगा वो। और हमारा नियम क्या कहता है, ऑलवेज राइट केटाइन फर्स्ट, पहले किसको लिखना है, केटाइन को। तो केटाइन ये वाला भाग है, केटाइन भी कैसी है, कोऑर्डिनेट एंटिटी है। तो अंदर क्या लिखोगे, लिगेंड, तो टेट्रा पाइरिडिन, पिरिडिन, टेट्रा पिरिडिन। अच्छा पिरिडिन का स्ट्रक्चर जानते हो सब, एन C6H5N। होता क्या है, बेंजीन रिंग के अंदर एक नाइट्रोजन जुड़ा रहता है, तो नाइट्रोजन के पास हो जाते हैं लोन पेयर जो वो डोनेट कर सकता है, डोनेटिंग साइट उसकी एक होती है। टेट्रापिरिडिन अब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो प्लेटिनम ही लिखा जाएगा, प्लेटिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो टेट्रापिरिडिन प्लेटिनम, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर। पिरिडिन के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, क्यों होगा प्लेटिनेट, क्यों होगा। अच्छा प्लेटिनेट करते कब है, जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज हो। ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका पीछे जुड़ा हुआ है क्या, आगे जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज तो प्लेटिनेट करने की आवश्यकता नहीं है, तो प्लेटिनम। अब पिरिडिन के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो पिरिडिन का जीरो, तो प्लेटिनम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, जीरो। तो आप इसको खाली ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, जीरो। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का नोमेनक्लेचर हो गया, टेट्रापिरिडिन प्लेटिनम। अच्छा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट टू निकाल रखी है। अच्छा पूरे मॉलिक्यूल का अगर देखने जाएंगे तो होगा Cl4 -2 -2, और प्लेटिनम की कितनी आ रही है, पीछे देखना +2 आ रही है ना, प्लेटिनम की भी 2 आ रही है। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 2 आ रही है, तो यहाँ पर ऑलरेडी प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इस पूरे की तो आगे एक्स प्लस, इसका तो हो गया 0 प्लस, प्लेटिनम की कितनी है 2 +4 इंटू Cl के -1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 -2 कितना आ गया। अपन ने खाली इतना ही देखा, पीछे वाला मॉलिक्यूल भी तो साथ में, इसलिए इसका क्या आ जाएगा 2। अब आया समझ में सबको, पीछे वाले मॉलिक्यूल को देखना है, इसके अकॉर्डिंग तो ये पूरा 0 हो गया, लेकिन ये भी तो है साथ में PtCl4। अब देखो ये तो आगे वाले का ही नाम हुआ, पीछे वाला अभी लिखना है। अब पीछे वाली एंटिटी कैसी है आपकी, नेगेटिवली चार्ज, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब वो भी क्या है, कोऑर्डिनेट एंटिटी है। तो अब उसमें फिर वही नियम लगाओ, सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स टेट्रा क्लोरो, फिर इसको क्या लिखोगे प्लेटिनेट। अब इसको अपन ने प्लेटिनम लिखा, इसको अपन ने प्लेटिनेट किया, कारण कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो प्लेटिनेट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर 2। बस ये पूरे कंपाउंड का नाम हो गया टेट्रा पिरिडिन प्लेटिनम सेकेंड, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड, इस पूरे का नाम। तो कुल मिला के क्या करना है, नियम पर ही अड़े रहना है, नियम से आगे पीछे होना नहीं है, मॉलिक्यूल को देख के घबराना नहीं। अब इसके अंदर से एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको जो उस नियम के अकॉर्डिंग आ रहा है। 19वां एग्जांपल देखो, कर दिया था 19वां सबने। अच्छा 19वां ट्राई करो एक बार आप लोग सभी, 19th। NO3 hold twice. ट्राई करो एक बार आप लोग। एक अपन ने बात करी थी एम्बिडेंटेड लिगेंड, याद आ रहा है, एम्बिडेंटेड लिगेंड जिसके पास डोनेटिंग साइट्स तो होती है पर एट अ टाइम वो एक से ही कर सकता है, तो उसमें एक नियम लगता है। एक नियम वहां का सुनना कि जैसे कि आपके पास NO2 है, क्या है NO2,
तो ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और ये ऐसे भी लिखा जाता है ONO, ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। तो कौन सा लिगेंड है आपके पास, NO2 है या ONO है, वो वहाँ नेम में लिखना पड़ता है। अगर वो नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो ऐसे लिखते हैं NU करके, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो OU करके लिखते हैं। इसके अंदर एक एग्जाम्पल आपको दे रखा होगा, इसका एग्जाम्पल नंबर देखिए आप, इलेवन में थोड़ी है, हाँ इलेवन में ONO है, तो नाइट्रीटोल लिखा है लेकिन उसने इंडिकेट नहीं कर रखा है, तो इसको ओ नाइट्रीटो यू लिखा जाता है कि ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, ओ नाइट्रीटो। और अगर एन से जुड़ा होता तो क्या लिखते हैं, एन नाइट्रो, क्या लिखते हैं, एन नाइट्रो। इसका बताओ, सबसे पहली चीज कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अंदर क्या लिखोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स की अगर बात आए तो पहले किसको लिखोगे, एथिलीन डाइएमीन, फिर किसको लिखोगे, क्लोरो, ओके क्लोरो बाद में लिखो, ये पहले लिख दो। चलो तो पहले क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, डाई एथिलीन डाइएमाइन, ये नियम यहाँ बदलता है, ये नियम यहाँ बदलता है। अब नियम क्या है वो सुनना, पहले तो नियम क्या है वो सुनना, अब इसमें नियम क्या कहता है आपका, EN को क्या बोलते हैं आप, एथिलीन डाइएमाइन, ठीक है। अगर किसी भी लिगेंड के नेम में डाई ट्राई टेट्रा ऐसा पहले से आ रहा है तो उसके आगे वापस वो आप नहीं ले सकते, जैसे कि इसके अंदर आ रहा है डाई तो यहाँ डाई एथिलीन डाइएमाइन नहीं बोल सकते आप, ये गलत हो जाएगा। अगर किसी लिगेंड के नेम में, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये डाई अपन ने नहीं लगाया है, वो पहले से एथिलीन के साथ है, एथिलीन डाइएमाइन। अगर ऐसा कोई लिगेंड आ रहा है जिसमें पहले से डाई ट्राई टेट्रा ऐसा होगा तो उसके आगे कभी भी आप डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगा सकते, भले ये दो है। उस केस में डाई के लिए आप वर्ड का में लोगे 20, क्या लोगे, ट्राई के लिए आप लोगे 30, टेट्रा के लिए आप लोगे टेट्राकिस, पांच के लिए पेंटा के लिए लोगे आप पेंटाकिस। आई बात समझ में, ये रूल यहाँ चेंज हो जाएगा। अगर किसी लिगेंड के नेम में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऐसा कोई वर्ड आएगा तो बाई डाई के लिए हम 20, ट्राई के लिए 30, टेट्रा के लिए टेट्राकिस, पेंटाकिस ऐसे लेंगे, वो रूल आपको साथ में लिखा हुआ मिलेगा। तो अब देखो, बुक के अंदर आपका डाइक्लोरो पहले लिख रखा है, बुक के अंदर डाइक्लोरो पहले लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, कैसा है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, तो उसको आप बाद में नोमेनक्लेचर में ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप अगर इसको पहले लिखोगे तो भी चलेगा और डाइक्लोरो को पहले लिखोगे तो भी चलेगा, कारण आपका लिगेंड का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, ठीक है। तो अगर क्लोरो को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो फिर 20 और अंदर लिखना पड़ेगा एथिलीन डाइएमीन, डाइक्लोरो 20 एथिलीन डाइएमाइन फिर प्लेटिनम, प्लेटिनेट होगा क्या, क्यों नहीं होगा, पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालोगे, प्लेटिनम का। EN के ऊपर एथिलीन डाइएमिन के ऊपर कहीं पर भी कोई चार्ज आ रहा था क्या, स्ट्रक्चर बनाया था, नहीं था। EN का नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, इसका तो आपका हो जाएगा जीरो। NO3 के ऊपर क्या चार्ज होगा, -1, सिर्फ -1 होगा, तो 2 × -1, और इसका निकालो x+2 × -1 + 2 × 0 + 2 × -1 = 0, x − 2 + 2 x = +4, क्या आ रहा है, अंदर से ही आ रहा है +4, ठीक है, प्लेटिनम +4। अब पीछे क्या बचा, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, क्या बोलते हैं, तो डाइनाइट्रेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नाइट्रेट, खत्म।
डाइक्लोरो बीस एथिलीन डाइमिन। पर एक अच्छी बात बताऊं मैं, ऐसा तो कभी पूछेगा ही नहीं एग्जाम में। एग्जाम में कैसे आएगा, एकदम गरीब, बहुत ईजी, देखते ही पता पड़ जाएगी सारी चीज़ें, नंबर ऑफ लिगेंड भी पता पड़ जाएगी, नाम भी पता पड़ जाएगी, सेंट्रल एटम भी पता पड़ जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम नहीं बैठते, हमारे साथ गवर्नमेंट के बच्चे भी बैठते हैं, ऐसा देख के चकरा जाएंगे उनको, तो वो सारी चीज़ ध्यान में रखकर पेपर बनाते हैं। जो भी पेपर बनाने बैठता है ना व्यक्ति, तो वो सारी चीज़ ध्यान में रखेगा। और अभी तो खास ध्यान रखना है, अपने तो और भी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, बाकी जगह स्थिति और ख़राब है। तो पेपर का स्तर ऐसा होगा कि ज़्यादा हाईफाई नहीं, अक्सर होता है कि अपने यहाँ अपन जो तैयारी करते हैं ना वो बहुत डिटेल में कर लेते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें अपन क्यों करें, अरे ऐसी तो नहीं पूछेगा, आपको नहीं बताओ ना, बिफोर लास्ट ईयर चेतन भैया वाला जो बेस्ट था, तो तीन चैप्टर बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, लास्ट पैराग्राफ चैप्टर का वहाँ से प्रश्न पूछ लिए, लास्ट पैराग्राफ से। अपन पूरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते अपन को भी लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ अपन ने पढ़ ली है, अब लास्ट में से क्या पूछ लेगा, और वो अपन छोड़ देते हैं। और वैसे रॉकेट प्रोपेलेंट का एग्जाम्पल पूछ लिया था 17 चैप्टर में से, लास्ट पैराग्राफ है वो बुक का। तो आपका ध्यान भी बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा होना चाहिए, बेसिक चीज़ें अच्छी अच्छी पूछता है। अब इसके अंदर एक वो लिंकेज वाला दे रखा है, जिसे ब्रिज लिंक लिगेंड है, जो NH2 ले रखा है ना, NH2 और NO2, वो दोनों एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं, और ब्रिज के लिए उन्होंने म्यू लगा रखा है कि वो दोनों लिंकेज का काम कर रहे हैं, तो इसलिए। बाकी उसके अलावा कोई भी ऐसा होगा नहीं, हो ऐसा कोई लग रहा है, और कोई कौन सा है, कौन सा 9th MN3, तो मैग्नीज है, किसमें ना, अच्छा वो अंदर सेंट्रल लिगेंड है ना, हाँ तो सेंट्रल लिगेंड है तो उसमें ट्राई मैग्नीज आएगा। जैसे कि सेंट्रल एटम के अपन ने क्या कहा था, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नंबर को नहीं देखना है, तो मैग्नीज तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो ट्राई लगेगा, कोई इशू नहीं है, मैग्नीज MN3 है ना तो लगेगा। और कार्बन 12 मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, 11th में डोडेका, कार्बन 12 के लिए डोडेका, तो ठीक सर 18वां तो उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं, 18th में लिंकेज है वो ब्रिज का काम कर रहा है, जो दो लिगेंड को मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को जोड़ रहा है, जब भी लिंकेज आती है तो उसको आपको म्यू से बताना है, तो वो म्यू इस चीज़ का लगा रखा है, आपको यहाँ लेनी क्लास नेक्स्ट। हाँ बस देता हूँ 2 मिनट, ठीक है, दूसरे 5 मिनट खाली दे रहा हूँ, यही रुके रहे, ठीक है ना, तो वो लिंकेज का काम करता है तो इसलिए म्यू लगा रखा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ऑलमोस्ट आज का टाइम इसमें ही निकल गया पूरा अपना, तो आप लोग एक बार और कर लेना प्रैक्टिस। आपका क्वेश्चन एक रहा है अभिषेक C5H5 वाला, तो वो स्ट्रक्चर में बना के दूंगा आपको। वर्सेलेस एक नीचे आ रहा है C2O4 ऑक्जेलेट, तो वो मैं बता चुका हूँ, ऑक्जेलेट आयन C2O4 चार्ज क्या होता है 2-, ठीक है सर, तो वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस टेबल की दिक्कत लगती है तो आप मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। खाली अब एक क्वेरी इसकी रही है वो आपका स्ट्रक्चर वाला, फिर भी पूरे टेबल में कहीं पर भी कोई दिक्कत लगे नहीं, ये इवन 18th में भी सॉल्व करने पर वापस कोई समस्या आए तो बताना, मैं बता दूंगा। अब आगे पूरा थ्योरी पार्ट है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमर, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर, वो दोनों चीज़ आपको पढ़कर आनी है, स्पेशली स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वाला तो आपको ही पढ़ना है, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर में पढ़ोगे और एग्जाम्पल देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला देख लो, मैं बता देता हूँ आयनाइजेशन, तो आयनाइजेशन का क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम है लेकिन जब उनको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयन अलग अलग दे रहे हैं। तो अब देखो फर्स्ट एग्जांपल इसका PtNH3 4Cl2Br2, तो पहले पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Br- ये दोनों आयन बन रहे थे, और पीछे वाला देखो फॉर्मूला सेम है खाली Br अंदर चला गया, तो Br- की जगह आयन कौन सा बनेगा Cl-, मतलब फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन आयन सुन के अगर अलग अलग बन रहे हों तो उसको आयनाइजेशन आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अब इसे क्या समझा सकते हैं, वही जो अंदर लिखा है वही मैं यहाँ बोर्ड पर बोल के नहीं बताऊँगा, नया तो कुछ बता नहीं सकते हैं। ऐसे सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर तो आपको सुन में आ जाएंगे, आपके लिए नया होगा स्टीरियो आइसोमर। नया कौन सा है? स्टीरियो आइसोमर, तो वो मैं आपको कल की क्लास में नेक्स्ट मतलब जब अपनी क्लास रहेगी तो स्टीरियो आइसोमर मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। कल आपको मतलब उनको आना है बायो वालों को संडे, लेकिन आना है ठीक है, आपको नेक्स्ट मंडे आना है, ठीक सर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो मैंने बताया आपको, पढ़कर आना है स्टीरियो और दोनों, तो स्टीरियो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये भी बताऊंगा लेकिन स्टीरियो समझाऊंगा, ठीक। थैंक यू।